जय हिंद नीटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया था भाई चैनल के साथ बने रहिएगा आईटी डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर। कोई भी अपडेट आता भी आपको सबसे पहले जो है उसकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देखने मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है नीटल भोपाल की तरफ से। अब यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है ये जो है भाई अगर मैं थोड़ा सा इसमें जाऊँ तो ये जो संस्था है ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है नॉन टीचिंग पोस्ट की निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो 2023 जो है इसका 02/2023 जो है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज़ को ओपन किया गया है वो आप देख सकते हो भाई अलग अलग पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसीज़ निकाली गई है। यहाँ पर काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट हैं जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाले भी हैं तो इसमें मतलब आईटी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेंथ वाले भी कुछ में अप्लाई कर सकते हैं 12th 10th ठीक है। यहाँ पर कुछ डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट यहाँ पर भाई डिवाइड की गई है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा यहाँ पर एज का भी बताया गया है ठीक है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ को बताया गया है भाई ये परमानेंट वैकेंसीज़ आपके लिए रहने वाली है। जॉब लोकेशन यहाँ पर आपका भोपाल रहेगा ठीक है। अब यहाँ पर जो जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा जाऊँ तो देखो यहाँ पर जो फीस लगने वाली है लेवल 6 के ऊपर की जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर आपकी 1000 फीस लगने वाली है। लेवल 6 से नीचे जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पर आपकी 750 मतलब 750 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। बाकी STSC वुमेन कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली ठीक है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं और क्लियर करूँ चीज़ों को तो देखो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है लेकिन उस फॉर्म को आपको डिपार्टमेंट को सेल्फ टेस्टेड करके और डिपार्टमेंट को भेजना है दिए गए पते पर। मैं आपको बता देता हूँ भाई डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग रिसर्च शांति मार्ग श्यामला हिल्स भोपाल 46202 MP मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपको 30 दिन से पहले पहले डिपार्टमेंट को जो है आपका जो प्रिंट निकलेगा उसके साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपको जो है डिपार्टमेंट को यहाँ पर भेज देना है ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करना है पहले इसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर भाई कुछ जो पोस्ट हैं आप देख सकते हो जैसे मैं खास टेक्नीशियन करके यहाँ पर पोस्ट है यहाँ पर आपका IT कंप्लीट होना चाहिए एक पोस्ट है और आपका ITI होना चाहिए या तो इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका यहाँ पर और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास BSc फिजिक्स में और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर आपके पास डिप्लोमा है ठीक है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है 32 ईयर यहाँ पर आपकी एज लिमिट रखी गई है। उसी तरह भाई लैब टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पर 1 पोस्ट है OBC की लेवल 5 का यहाँ पर आपका सैलरी रहेगा भाई यहाँ पर भी लेवल 5 का आपका सैलरी रहेगा ठीक है। इसमें भी भाई आपका यहाँ पर हायर सेकेंडरी मतलब 12th होना चाहिए ITI होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका ITI होना चाहिए या फिर यहाँ पर डिप्लोमा अगर हाँ आपके पास है तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी यहाँ पर नहीं है ठीक है। यहाँ पर भी 32 ईयर आपकी एज लिमिट रखी गई है यहाँ पर भी एक पोस्ट है ठीक है। उसके बाद जो है AC टेक्नीशियन में भी यहाँ पर आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन AC कंडीशनिंग रेफ्रिजरेटर मेंटेनेंस में या फिर ITI यदि आपके पास है यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट इन एनी मैकेनिकल ट्रेड्स विथ 10 ईयर यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप भाई यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ठीक है। यहाँ पर भी एक पोस्ट है SC की लेवल 5 का लेकिन यहाँ पर आपको सैलरी जो है रखा गया है ठीक है। अब यहाँ पर भी 32 ईयर एज लिमिट है भाई जूनियर स्टेनोग्राफर में यहाँ पर आपका 12th पास होना चाहिए और यहाँ पर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टाइपिंग स्पीड होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में ठीक है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद MS ऑफिस भी आपके पास होना चाहिए ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट में यहाँ पर आपका 12th पास होना चाहिए और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। वार्ड ड्यूटी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में 2 साल का एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन में अब यहाँ पर 1 पोस्ट है उसके बाद लेवल 2 का सैलरी रहने वाला है। यहाँ पर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में और ITI होना चाहिए तो आप यहाँ पर भाई अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यह जो है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ओवरहेड में भी यहाँ पर आपका ITI होना चाहिए वायरमैन ट्रेड में और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो 1 पोस्ट लेवल 2 का सैलरी रहेगा। बस ड्राइवर में आपका 10th पास और हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ठीक है। उसके बाद जो है भाई यहाँ पर मसून कम प्लम्बर में भी आपका ITI होना चाहिए यहाँ पर ITI होना चाहिए मशीनरी और प्लम्बिंग यहाँ पर ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए और 2 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ठीक है। मल्टी स्किल्ड असिस्टेंट में यहाँ पर केवल 10th पास यदि आप हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 20 हैं ठीक है। यहाँ पर अगर आप केवल 10th पास हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका है कोई भी
भी गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर कोई भी लेबोरेटरी में या एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन में, तो केवल एक साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है कहीं भी, तो भाई आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है 20 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। तो ये सारा कुछ जो बताया गया है, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज निकाली गई है भाई यहाँ पर, ये पूरा क्लियर करके जो है बताया गया है। बाकी लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जो भी भाई कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई करिएगा, परमानेंट जॉब आपके लिए जो है रहने वाली। बाकी और आने वाले हर अपडेट के लिए, चाहे वो ITI के लिए हो, डिप्लोमा वालों के लिए, चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।